अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सोहेल, आपके साथ एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा, दो तीन मोटर बाइक की एक्सेसरीज़ की शॉप है, वहां पे चलते हैं, देखते हैं कि प्राइसेस की क्या रेंज हैं फॉर हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स और ट्राउज़र्स और शूज़ वगैरह की। आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि इसमें किस किस्म की रेंज आती है, प्राइसेस क्या आती हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं अब रेडी होता हूँ, कपड़े वगैरह पहनता हूँ, फिर चलते हैं, देखते हैं। आज राइडिंग के लिए दिन बड़ा अच्छा है। टेम्परेचर वैसे मैंने चेक तो नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि तकरीबन 14-15 ज़रूर होगा। धूप भी अच्छी निकली है और आसमान पे इतने ज़्यादा बादल वगैरह भी नहीं है, कोई इक्का दुक्का ही छोटा मोटा है। ख्याल है यही के लिए है वो। ये वाली शॉप कैम्बरली में है, इन्फिनिटी मोटरसाइकिल्स का क्लीयरेंस स्टोर है एक। तो हेलमेट्स की प्राइसेस आप देख सकते हैं कि एवरेज तकरीबन 300-400 तक आते हैं, और इस प्राइस को पे करने में मेरा ख्याल है ज़्यादातर बंदों को कोई मसला नहीं होता। जैकेट्स वगैरह भी इस शॉप में 200-300 pounds की आ रही हैं, और ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें जी, 800 pounds की है। ये वाली जैकेट मैंने ट्राई की थी, और इसमें फुल बॉडी सूट भी आता है, और ये वाली जैकेट भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। 144 pounds की थी। वेयर हाउस ये काफ़ी बड़ा है, वैसे कहने को तो ये क्लियरेंस स्टोर है, लेकिन प्राइसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा थी। ग्लव्स वगैरह मिनिमम तकरीबन 20 pounds से शुरू होते हैं और 200-200 pounds तक जाते हैं। शूज़ इस शॉप में मैंने 170 pounds से तकरीबन ऊपर सारे देखे हैं। अब चलते हैं दूसरी शॉप की तरफ। हाईवे में चलाने पे कोई इतना ज़्यादा फन नहीं है जी, मुझे तो कम से कम इतना ज़्यादा इंजॉयमेंट फील नहीं होती जितनी कि छोटी रोड पे होती है।
ये अब सिटी अपना छोटा सा टाउन जो है फार्नबरा में हम दाखिल हो गए। बड़ा मशहूर फार्नबरा एयर शो यहाँ का है। इधर एक शॉप है एक और, इस पे भी वापस आता हूँ, पहले दूसरी पे होके आता हूँ। है तो वो राइट हैंड साइड पे JNS, लेकिन उसके ऊपर घूम के आना पड़ेगा। ये एक मॉडल था बायर इसी शॉप के सामने। ये वाला हेलमेट मैंने, मेरे पास अभी है 150 pound में, तकरीबन 3 साल पहले मैंने लिया था, अभी तक भी इसी प्राइस में है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इस शॉप में मुझे हेलमेट्स की काफ़ी रेंज नज़र आई है, मतलब आपको लो में भी है, हाई में भी है, जो आपको पसंद आए ले लें। और सिमिलर जैकेट्स का भी ऐसे ही मैंने देखा है, इधर प्राइसेस वगैरह हाई में भी काफ़ी सारी थी और लो में भी काफ़ी सारी थी। अभी ये वाली देखें, जीन्स देखने को वैसे जीन्स नज़र आती है, लेकिन इसके अंदर प्रोटेक्शन है। जीन्स में नी प्रोटेक्शन है और हिप प्रोटेक्शन है। इस किस्म की सारी प्रोटेक्शन इसमें नॉर्मल जो आपको ट्राउज़र लेते हैं उसमें होती है। इस शॉप में हेलमेट्स वगैरह इवन मुझे 40-50 पाउंड के भी नज़र आए हैं। जैकेट्स जो हैं वो तकरीबन मिनिमम शायद 90 pound 100 pounds तक हैं, और शूज़ भी तकरीबन 60 pound से ऊपर देखें, और 60 में जो मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छी उनकी क्वालिटी है। शूज़ में आपको वाटरप्रूफ और मिलते हैं, लोवेस्ट वाले शायद वो जिस वाटरप्रूफ नहीं होते वो आपको गर्मियों में जो चाहिए होते हैं वो मिलते हैं। वाटरप्रूफ थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, और इससे ऊपर वाले जो होते हैं वो गोटेक्स मटेरियल में होते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अब चलते हैं तीसरी शॉप की तरफ जो बिल्कुल साथ ही है इसके, और तीसरी इस शॉप का नाम है इन्फिनिटी मोटरसाइकिल्स। दूसरा वाला इनका वेयर हाउस था, ये वाली इनकी शॉप है मेन। इनके पास भी काफ़ी सारी रेंज है तकरीबन हर चीज़ की। ये देखें जी, 6000 ऑलमोस्ट पाउंड की एक साइकिल है। इनके पास हेलमेट की रेंज भी स्लाइटली ऑन दी एवरेज टू हाई थी।
एक दो जैकेट्स मैंने यहाँ पे देखी थी जिनकी प्राइस तकरीबन 100 पाउंड थी एंड दे आर वेरी गुड वेरी गुड। वो सेल पे थी, अनफॉर्चुनेटली मेरा साइज़ नहीं था वो। इसी शॉप से मैं होके अब वापस निकल आया हूँ। तो आपने देखा होगा कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हेलमेट, ग्लव्स, ट्राउज़र, जैकेट और शूज़। मेरे ख़्याल में लोएस्ट बजट अगर आप अपना अगर सेट करना चाहें तो शायद 250 से 300 तक आपको चीज़ें मिल सकती हैं, और इसके ऊपर तो जहाँ तक जाए जा सकते हैं। शूज़ मेरा ख्याल है कि 60 से 70 पाउंड तक आपको मिल सकते हैं। जैकेट अगर आप डिसेंट लेना चाहें तो मेरा ख्याल है 80-90 पाउंड तक मिल सकती है। ट्राउज़र शायद आपको 50-60 में मिल जाए, और हेलमेट मिनिमम 50-60 पाउंड में आपको मिलेगा। तो 250-300 तक मेरा ख्याल है कि एक डिसेंट बजट में आ सकता है। इससे शायद सस्ते भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसमें फिर प्रोटेक्शन जो होती है, जैकेट में प्रोटेक्शन या फिर आपकी ट्राउज़र के अंदर जो प्रोटेक्शन वगैरह है वो काफ़ी चीप किस्म की होती है, तो उनका होना ना होना बराबर ही है। सो बेटर टू एटलीस्ट हैव इतनी प्रोटेक्शन हो कि यू नो आपको थोड़ी बहुत ही जो है ना आपकी सेफ्टी उसमें हो। नॉर्मली कहा जाता है कि जितने ज़्यादा आप स्पेंड करना करें वो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा आपको, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।